अभिषेक भाई आपको तो पता ही है, अफवाहें हम लोग हमेशा कंफर्म करते हैं सामने से, सेलिब्रिटीज के बारे में अफवाहें उड़ती रहती है तो हम नहीं मानते, हम सामने पूछते हैं। तो चित्रांगदा आपके बारे में एक अफवाह उड़ रही थी, उड़ते उड़ते हमने पकड़ी। अफवाह ये है कि आप कॉलेज के वक्त 40 चोटियां करती थी और बैग की जगह बाल्टी में बुक्स लेके जाती थी। ये बिल्कुल सच है, 100%। 40 चोटियां, 40 चोटियां। डीयू में जब रैगिंग पीरियड चलता था और हम हॉस्टल में थे, अच्छा, सो हॉस्टलर्स की ज्यादा होती थी, उसमें सलवार कमीज पहन सकते हैं एंड वो भी उल्टा, और बैग नहीं यूज कर सकते, सारी आपको बुक्स बाल्टी में ले, जो भी आपको एक वो जो बाल्टी मिलती है हॉस्टल में, हाँ, हाँ. उसके अंदर बुक्स जाती हैं, और तेल लगा के 40 चोटी चोटी, ओह माय गॉड। एंड अगर 40 नहीं है और किसी सीनियर ने पकड़ लिया, काउंट कर लिया, देन दे वुड लाइक जो भी करेंगे, एंड देयर लाइक अगर हम पकड़े आपकी चोटी तो तेल निकलना चाहिए, निकलना चाहिए उसमें से, सो बाल अच्छे हो गए, कुछ फायदा हो गया। देखो भाई, हमारी सारी अफवाहें झूठी नहीं होती, कई कई सही भी होती हैं। शाबाश भाई, आपके बारे में एक अफवाह है कि आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। Really? कैसे कैसे? दो बार। कैसे? मैंने एक फिल्म बनाई थी दिल्ली 6 जी, और उसके प्रमोशंस के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मिला था ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पब्लिक इवेंट्स अटेंडेड इन 12 आवर्स और 24 आवर्स। कितने? वी डिड आई थिंक 8 इन 8 डिफरेंट सिटीज। बाप रे। वाओ। एंड सेकंड? सेकंड मैंने सुना है कि डैड एंड आई इन इट फॉर द ओनली रियल लाइफ फादर एंड सन हु हैव प्लेड फादर एंड सन इन रिवर्स ऑर्डर। ओके। क्योंकि हमने फिल्म जो बनाई थी पा, उसमें मैं पा के पा जी रोल कर रहा था। बड़ी खूबसूरत फिल्म थी भाई। या आई लव दैट। चित्रांगदा एक अफवाह ये है कि इस फिल्म मैं एक सवाल पूछूं। जी जी सर। ओके। अभिषेक पाजी, आपने एक अफवाह सुनी है कि आपने रिकॉर्ड कर रहा। चित्रांगदा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। ये बिल्कुल सही पकड़ा माता जी। हाँ। ये क्या पता हो क्या रहा है? ट्रेनिंग। हाँ अभी करो। नहीं, मैं चित्रांगदा एक अफवाह ये है कि इस फिल्म में आपने ऑर्डिनरी लुक इसलिए रखा है जिससे सबका ध्यान आप पे नहीं, कहानी पर रहे। Is it true? मैं आपको बता दूं, जो मेरा कैरेक्टर है, the first time जब सुजॉय मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो रोल है फिल्म के अंदर, वो एक ऐसी लड़की है जिससे हर कोई शादी करना चाहता है, तो यू हैव टू बी दैट वुमन, मतलब मेरी, मेरा जो कैरेक्टर का नाम है इज द वुमन दैट एवरी मैन वॉन्ट्स टू मैरी। अच्छा, डायरेक्टर भी फ्लर्टी है। ओके। सो अब इतना आई डोंट नो उनका क्या आइडिया था कि सब कुछ बहुत ही पर आपको बहुत सिंपल लगा? नहीं, आपको पता ही नहीं, सिंपलिसिटी में इतनी खूबसूरती दिख रही है। हां, तो ये आइडिया था। हां फिर भाई, यही तो बात है। भाई आपने गोलियां बड़ी चलाई हैं बॉब विश्वास में, आपको आज लाइव करने का मौका मिलेगा। आप कभी मेले में तो गए नहीं होंगे, आई एम श्योर। बहुत बार गया। गांव वाले मेले लगते हैं। हां जी, वो जहां पे वो बैलून फोड़ते हैं, तो आज आपको फिर याद दिला देते हैं मेले की। और चलिए लेके आइए फटाफट। 10 में से जिसने ज्यादा बार बैलून बस्ट किए उसको मिलेगा बहुत सारा प्यार। पैसे तो देखिए, मुंबई में ज्यादातर मेले नहीं लगते हैं, लेकिन हम लोग जब जूहू चौपाटी पे जाते थे बचपन में, वहां ऐसे सब करें। आप देखो भाई, इसके डेडिकेशन देखो शोक के पीछे। अर्चना ने सारी रात जाग के गुब्बारे फुलाए। आइए लेडीज, बंदूक कौन सी है? यू लुक बेटर लेडीज, कोई भी दे दो, मूंग की दाल डाल के दीजिए। अच्छा, आपके पास दो ऑप्शन है, पिंक या ब्लू। पिंक या ब्लू? पिंक। दादा दूसरी बंदूक भर के रखो, साथ में निशाना है, भरते रहना जैसे जैसे खाली हो। सीधा मार दो ना। वाओ, ये वाली गन। She's got an advantage. She's an army brat. तीन निशाने में से दो अभी तक इनके लग चुके हैं। Two out of three. चार में से दो, पांच पांच ही मिलेंगे। अभी क्रिएटिव चेंज हो गया। बस। पांच में से दो अब लगाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक भाई, आप अपनी मर्जी का कलर चूज करो। कौन सा? दो गिरा।
लगा दिए, फूटा एक भी नहीं, दो गिरे हैं नीचे। हमने कड़ी क्या? ये वाकई में दाल है यार। हाँ। Actually, better chance. दादा इसमें काम करो फिर आप, हल्का हल्का प्याज काट के ना, हाँ, थोड़ा सा तड़का लगा के और सूखी सूखी दाल बनाना, तो अर्चना जी को दे देना, ठीक है? एक मेरे को भी दो, भर के दो, मैं भी लगा के देखूं। कपिल तू ट्राई कर ना, कपिल तू भी ट्राई कर। अरे ओके, मैं लाइट ग्रीन। जय भवानी। अच्छा बस ठीक है दादा, थैंक यू, शुक्रिया। दाल इतनी दूर जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। तो इसका नतीजा कोई निकला नहीं है? नहीं नहीं। कौन जीता? क्योंकि वो तूने बोला था जो भी जीतेगा उसे ढेर सारा प्यार मिलेगा, वो तो ऑलरेडी मिल रहा है। Exactly. दोस्तों जैसे आप सब जानते हैं कि बॉब विश्वास में अभिषेक भाई जो किरदार निभा रहे हैं बॉब विश्वास का, उनको भूलने की प्रॉब्लम हो जाती है। मैं आप दर्शकों में से जानना चाहता हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी कोई भूलने की वजह से कोई आपका काम खराब हो गया हो या कोई फायदा भी हो गया हो, आप अपने किससे डिस्कस कर सकते हैं। जी सबसे पहले कौन आ रहा है? भाई सबको माइक दीजिए। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो अर्चना। हेलो अभिषेक सर। हेलो चित्रंगा मैम। मेरा नाम है उमेश साहू, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। अच्छा जी। भूलने की बोले तो गाँव में हम लोग तालाब में नहाने जाते थे। अच्छा जी। तो हम लोग दोस्तों लोग मिल के जाते थे, तो फिर वापस आते थे, तो हम लोग कच्छे को सर में रख के घर वापस आते थे। पहन के नहीं आते थे? नहीं, जो जो पहन के नहाते थे। अच्छा। उसको कच्छे को सुखाते हुए आते थे घर। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी बहन के लिए लड़के वाले देखने आए थे, तो मेरे को बुलाने आ गए, तो हम लोग दोस्त लोग साथ में थे, तो मेरे को जल्दी जाना था, तो मैं वैसे ही चले गया और मैं भूल गया कि कच्छे मेरे सर में है, और मैं जाके प्रणाम कर रहा हूँ सबको, और मेरी मम्मी फिर धीरे से मेरे को खींची और मेरे को मारी, फिर कच्छे निकालने के लिए बोले, और वो लड़के वाले बोलते हैं कैसा आदमी है करके, फिर बोले कि सर पे कच्छे डाल के घूम रहा कैसा लड़का है, कैसा लड़का है। वही था कि उसके बाद से मैं कभी ये नहीं थी कुछ भी करने से पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कुछ बोला तो। बहुत बार ऐसा होता है, कई बार आप अपने कमरे में जाते हो कुछ बोलने ना, फिर सडनली जाके आप, मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, मैं अपने जब बैठा होता हूँ अपनी टीम के साथ ना, तो बीच में से कोई काम करने जाता हूँ अंदर, जाकर कमरे में से गिनी, हाँ सब ठीक, हाँ भूल जाता है आदमी, पर ऐसा कच्चे वाला काम मेरे साथ कभी नहीं हुआ। सोचो आप घर में बहन को देखने वाले हैं रिश्ता और आदमी कच्चे वाला प्रणाम, तो इंप्रेशन क्या पड़ा होगा। चलिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ और कोई हमारे दोस्त? जी मैम माइक। अच्छा नमस्ते, आई एम गौरी, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड मैं 8 साल से मैरिड हूँ और ये किस्सा मेरे हस्बैंड के बारे में है। ओह गॉड। सो साल भर साल वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज कि उसकी भूलने की जो आदत है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा जी। अभी रिसेंटली उसने किया है, लाइक आई रीच्ड होम एट 6 PM एंड वो लिफ्ट के पास खड़ा है, बिल्कुल हैरान परेशान सा है एंड किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है एंड देन आई आस्क हिम क्या हुआ चंदन, क्या हुआ, व्हाई आर यू सो स्ट्रेस्ड, इज लाइक मैं मुंबई पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, क्या हो गया, नहीं नहीं मैं अभी ट्वीट भी डालने वाला हूँ, क्या हुआ, रिलैक्स टेक अ ब्रीथर, क्या हुआ। देन इज लाइक अरे अपनी गाड़ी पार्किंग में नहीं है, सुबह निकला था तो गाड़ी थी। आई सेड गाड़ी नहीं है मतलब, याद करो बैठो नीचे, कहाँ गई गाड़ी, कहीं कहीं गए थे क्या, हाँ मैं सुबह मॉल गया था, कैसे गए थे, गाड़ी से गया था। सर आए कैसे वापस, ऑटो से वापस आ गया। ये तो फिर भी ठीक है, इन्होंने हद कर दी। एक दिन मेरी मॉम को पिक करने जाना था स्टेशन, मेरी मॉम को मिस करके आ गए वहीं पे, 1 घंटा पहले निकले थे, पता नहीं स्टेशन पहुंचे ही नहीं। अच्छा। एक 1.5 घंटा बाद मॉम ऑटो से घर आई, बिल्कुल हैरान परेशान, किसी और की मम्मी को तो नहीं खाला है। नहीं नहीं खाली हाथ ही आए, पर इनको याद ही नहीं रहा कि स्टेशन जाना है, शायद फोन आ गया। आपको एक अंदर की बात बताऊं, कभी आदमी लोग ना जानबूझ के भूमिका बनाते हैं पहले कि 1-2 बार ऐसे भूलूंगा, तीसरी बार किसी और के साथ जा रहा हूँ, पति देख रहा अरे आप मेरी वाइफ तो ये कौन है। थोड़ा एक दिन किसी और के बच्चे को उठा के लाए थे घर, मैंने बोला था ओजस को लेके आओ, नीचे है गेट पे है, बस पिक करके ऊपर ले आना है। किसी और के 20 मिनट बाद घूम के उसको लेके आया और मेरा बेटा सिक्योरिटी गार्ड के पास बैठा हुआ था। तो किसके बच्चे को उठा लाए? नेबर का, किसी का था मतलब, आई वाज नेम इन सोसाइटी तो पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। तो है मतलब अभी क्या करते? अच्छा, आप साथ ही हैं? यही है चंदन जी। अच्छा ये भाई साहब से मैं मुखातिब होना चाहूंगा,
भाई साहब क्या किसी का बच्चा कैसे उठा सकते हैं आप? एवरीवन नहीं नहीं मैं अपने बच्चे को भूल गया, दूसरा बच्चा पटाखे के लिए मेरे पीछे आ गया था, तो इसे इसने नैरेटिव चेंज कर दिया। अच्छा, मैं अपने बच्चे को भूल गया, दैट्स अ फैक्ट, बट दूसरा बच्चा पटाखे के लिए, अंकल पटाखे दो पटाखे दो। अच्छा। ये सब ठीक है चंदन जी, हम जानना चाहते हैं मॉल किसके साथ गए थे? देखो मॉल तो अकेले गया, बट वी वेरी फ्रैंक, बट हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बट यार शादी के बाद थोड़ा बढ़ गया है। जिसके बेनिफिट्स भी है, जैसे कभी कभी बार बार कॉफी मांगते थे, आई एम लाइक चंदन कॉफी तो पी चुके हो आप, लाइक हो चुका है घर में, किसी से भी गलती हो गई हो, इनके बच्चे से भी हो जाओ मेरे सर पे, नहीं नहीं तुमने ही तोड़ दिया, तुमने करा था परसों, तुमने कहा इनका बच्चा नहीं आप दोनों का ही है। सॉरी भूल गए भूल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बॉब विश्वास वो देखना ना भूलिएगा आप, ठीक है? बड़ी मजेदार कमाल की फिल्म, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.